गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अकाउंट मास्टर। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एम कॉम एंड एम बी ए ऑन द टॉपिक जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। लेट्स बिगिन द लेक्चर। जॉब एनालिसिस, meaning of job analysis. Job analysis is regarded as the process of determining all the necessary information about the particular job. एक particular job के बारे में जो भी information है वो सारा information को पता लगाना, पता करना, that is job analysis. In other words, we can say that job analysis records information about the task involved in the job, knowledge and skill set required to perform that job, and the responsibility and ability required for the successful performance of the job. यानी कि job analysis में हम लोग क्या करते हैं कि job को, एक particular job को करने के लिए क्या knowledge और skill चाहिए वो पता करते हैं। उस job पे जो व्यक्ति होगी उसकी responsibility और ability क्या होगा ताकि वो अपना job को perform कर सके, इसके बारे में जब हम पता लगाते हैं, then it is known as job analysis. जॉब एनालिसिस डिफ्रेंशिएट जॉब फ्रॉम वन पर्सन, वन जॉब टू अनदर जॉब एंड फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। कंसेप्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। द सक्सेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द मेजर फंक्शन ऑफ HRM लाइक ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्राइजल डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक खास जॉब के बारे में हम उसके बारे में पता लगाते हैं कि इस जॉब पे जो व्यक्ति काम करेगा उसको क्या नॉलेज और स्किल होना चाहिए, उसको काम करने के लिए क्या एबिलिटी होना चाहिए ताकि उसका काम को परफॉर्म कर सके, इसके बारे में हम लोग क्यों ऐसा करते हैं ताकि हम उसको ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्राइजल कर सके। Component of a job analysis. Job analysis can be further categorized in the following component. Number one, job position. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं job position क्या है, designation क्या है उस job का। जो एक employee जिस post पे बैठा हुआ उसका designation क्या है, that is known as job position. Job description. Job description means which type of task is performed by the person holding that job. जिस job position पे, जिस कुर्सी पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको क्या काम करना है, that is job description. तो job description में हम लोग देखते हैं set of task and responsibility to be performed by the person on the job. जॉब वर्थ, जॉब की जरूरत क्या है, वर्थिनेस क्या है। तो जॉब की वर्थिनेस, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उस व्यक्ति जो पोस्ट पे काम कर रहा है उस पोस्ट की आवश्यकता क्या है, यानी कि वह पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कितना कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, इज नोन एज जॉब। प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, तो फॉलोइंग आर द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जॉब स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी डिटर्मिनेशन करते हैं। मीन्स एक खास जॉब को करने के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंट या क्या क्या जॉब स्पेसिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन चाहिए जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके और उस पर ह्यूमन बींग्स को अपॉइंट कर सके। दूसरा, जॉब डिस्क्रिप्शन डेवलप करना। डिस्क्रिप्शन मीन्स उस पोस्ट पे जो व्यक्ति होगा उसकी टास्क, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शंस क्या होगी ये पता करना। उसके बाद डेवलपिंग ए जॉब स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मीन्स एबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फंक्शन और ड्यूटी एसोसिएटेड विद द पार्टिकुलर जॉब। किसी खास जॉब को करने के लिए क्या जरूरी कॉम्पिटेंसी है और एबिलिटीज है उसके बारे में हम लोग जब बात करेंगे, देन इट इज जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट वन,
method of job analysis. So there are various methods, such as number one, observation method. Observation method में हम क्या करते हैं, तो observe करते हैं about the holders या holding of the job. तो observe करने का दो method है, direct method से observe कर सकते हैं या work method से analyze कर सकते हैं. सेकेंड वन, इंडिविजुअल इंटरव्यू मेथड. हम इंडिविजुअली वर्कर्स को बुलाएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, उसके आधार पे हम उनके जॉब का एनालिसिस कर सकते हैं. थर्ड वन इज ग्रुप इंटरव्यू मेथड. सभी वर्कर्स को जो एक पोस्ट पे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ नेचर ऑफ पोस्ट या जॉब है, उनको एक साथ बुला करके एक ही बार हम उनके बारे में जॉब एनालिसिस कर सकते हैं. थर्ड फोर्थ वन इज ग्रुप इंटरव्यू मेथड. इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली बाइफर्केट करते हैं कि वन ग्रुप का मीन्स वन टाइप ऑफ पार्टिकुलर जॉब विल बी इंटरव्यूड फर्स्ट एंड अदर टाइप ऑफ विल बी इंटरव्यू लेट. नेक्स्ट वन है डायरी मेथड. डायरी मेथड मीन्स द मेथड इन विच जॉब इंक्यूमेंट रिक्वायर टू रिकॉर्ड ऑल द एक्टिविटीज ही सी परफॉर्म व्हाइल बीइंग द जॉब. कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उस क्या काम किया वो सारा चीज एक डायरी में मेंटेन होता है, तो उस डायरी के मेथड से भी हम जॉब एनालिसिस कर सकते हैं. फंक्शनल जॉब एनालिसिस, काम कर रहे हैं तो काम करते समय भी हम उसको ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं कि क्या जॉब एनालिसिस, उस व्यक्ति का जॉब पोजिशन क्या है. तो पोजिशन एनालिसिस क्वेश्चन, आप किसी पोस्ट पे हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप आंसर देते हैं देन यूर जॉब इवेल्युएटेड. क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक. दिस टेक्निक इज गिवन बाय जॉन फ्लैनेगन इन द ईयर 1954. इस टेक्निक के अनुसार क्या था कि बिहेवियर इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन. कोई वर्कर बहुत ही अच्छा काम करता है लेकिन कभी उसके ऊपर प्रेशर्स आ जाते हैं तो वो काम गलत करने लगता है. तो दिस इज द क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक. हम वर्कर्स के ऊपर में जो पोस्ट पे है उसका जॉब एनालिसिस करने के लिए हम उसके ऊपर प्रेशराइज करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ जॉब. जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन इज द मोस्ट कॉमन इन प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस. ए जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द जॉब इंक्यूबेंट डज, how it is done, under what condition it is done, and why it is done. In other words, we can say that job description describe in detail the various aspects, scope, and purpose of the job. In this connection, we can say that job description is a statement of duties, function, task, activities, and responsibility of a position or a job. Job description मतलब job के बारे में क्लियर कट लिखा हुआ होना कि आप इस पोस्ट पे हैं या जॉब पे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपकी ड्यूटी क्या है, फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज क्या है. तो ये सारा चीज अगर एक जगह पे लिखा हुआ हो देन दैट इज नोन एज जॉब डिस्क्रिप्शन. इट रिप्रेजेंट द वर्किंग कंडीशन अंडर विच पार्टिकुलर जॉब हैज टू बी परफॉर्म एज वेल एज रिपोर्टिंग रिलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इससे हम रिपोर्टिंग रिलेशन आसान हो जाता है और साथ में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करना आसान हो जाता है. तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है, तो सबसे पहले जॉब आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा, जॉब समरी होगा, जॉब का ड्यूटीज होगा, सुपरविजन रिक्वायर्ड होगा, रिलेशन टू अदर जॉब होगा, मशीन इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगा, वर्किंग कंडीशंस होगा, सोशल इन्वायरमेंट होगा. तो दिस आर द पार्ट ऑफ. नेक्स्ट वन जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब स्पेसिफिकेशन मीन्स विच टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन, एबिलिटी, स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब सेटिस्फैक्टरली, दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन. जैसे सपोज दैट बीइंग ए टाइपिस्ट, टाइपिस्ट का अगर जॉब है तो टाइपराइटर या कंप्यूटर में टाइपिंग करने आता हो, that is the special requirement, that is the job specification, typing aana chahiye. Element of job specification, educational requirement hona chahiye, experience hona chahiye, specific knowledge hona chahiye jiske liye laya ja raha hai, skill requirement hona chahiye, personality requirement, essential attributes,
डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेटर्स होने चाहिए। दीज आर द जॉब स्पेसिफिकेशन। नाउ द यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस की क्या आवश्यकता है? तो जॉब एनालिसिस का आवश्यकता हर एचआर मैनेजर को होता है टू परफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इफिशियंटली। तो जॉब एनालिसिस एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट ट्रेनिंग डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अप्राइजल प्रमोशन एंड ट्रांसफर गाइडेंस लेबर रिलेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कैरियर प्लानिंग सक्सेस प्लानिंग एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट ये सारे जगहों में जॉब एनालिसिस के आधार पे ही हम जैसे प्रमोशन एंड ट्रांसफर। तो जॉब एनालिसिस किया जो व्यक्ति जॉब में है वो अच्छा काम कर रहा है तो प्रमोशन देंगे, अच्छा काम नहीं कर रहा है ट्रांसफर करेंगे। तो दिस आर द यूजेस ऑफ जॉब। आई होप द स्टूडेंट विल बी हाईली बेनिफिटेड थ्रू दिस लेक्चर। देयर क्वेरीज एंड सजेशंस आर एप्रिसिएटेड। थैंकिंग यू। बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी। हैव ए गुड डे।